चारों तरफ गार्डन बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये रिस्ट्रिक्शंस का ये फ़ायदा है गार्डन में ना जाने के लिए, जो लोगों को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि आप गार्डन में ना जाएं, इसी वजह से ये गार्डन्स इतने मेंटेन हैं। लोटस टेम्पल आप आएंगे जब, तो यहाँ तीन जगह सबसे ज़्यादा आपको गैदरिंग मिलेगी। या तो आप सामने देख सकते हैं वो जो लाइन है वहाँ, या वो लोटस टेम्पल के अंदर, या फिर इस जगह, ये सेल्फी पॉइंट, या फिर फ़ोटो खींचने के लिए फोटोजेनिक प्लेस बनाया हुआ है। यहाँ पर आके लोग गैदरिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोटो लोग इस जगह खड़े होकर लेते हैं। अलग ही व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। लोटस टेम्पल जब भी आते हैं तो यहाँ पर दो तीन जगह और हैं जो लोटस टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक हैं, आप जा सकते हैं। एक है इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और एक है कालकाजी मंदिर, कालकाजी मंदिर भी बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस्कॉन टेम्पल भी पास में ही है, वॉकिंग कहूँगा या फिर वॉकिंग नहीं कह सकता, आप ई रिक्शा करके या ऑटो करके जा सकते हैं। बट अगर इस्कॉन टेम्पल से देखेंगे तो इस्कॉन टेम्पल से बिल्कुल पीछे ही दिखता है। हालांकि यहाँ से एंट्री डायरेक्ट नहीं है, बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो गर्मियों में अगर आएँ तो पैदल ना जाएँ इस्कॉन टेम्पल, आप ई रिक्शा करके जा सकते हैं। लोटस टेम्पल का एक और फैक्ट मैं बताता हूँ, ये दिखने में जितना सुंदर है इसको बनाना उतना ही कठिन था। 10,000 अलग अलग मार्बल के टुकड़ों से मिलकर इसको बनाया गया है। यहाँ जी 10,000 मार्बल के टुकड़ों, टोटल 7 बाहाई मंदिर हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से एक है ये लोटस टेम्पल। बाकी की 6 जो हैं वो अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूँगा कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो बट टोटल 7 हैं। मैंने आपको जैसा बताया ही था कि सिडनी के ओपेरा हाउस जो है उसका आर्किटेक्चर और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। सिडनी का ओपेरा हाउस पहले बना था, ये बाद में बना था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है सूचना केंद्र, किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको इस मंदिर से रिलेटेड अगर चाहिए हो तो आप यहाँ पर जाके ले सकते हैं। सूचना केंद्र यहाँ पर है। और ये है लोटस टेम्पल। गार्ड्स यहाँ बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि लोग जो रिस्ट्रिक्टेड जगह हैं वहाँ ज़्यादा जाते हैं, तो गार्ड्स बेचारे चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। गार्डन्स में जाना यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है, और भी बहुत सारी जगह यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। बट अब क्या करें, जनता है, गार्ड्स का खैर काम यही है, मगर लोग इनको इतना परेशान कर देते हैं और ऐसी जगह ही जाते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। मैं यहाँ जब से यहाँ से घूम रहा हूँ, जितने भी गार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसी वजह से कि लोग उन्हीं जगह पर जा रहे हैं जहाँ जाना मना है, और बेचारे वो धूप में बार बार जा जा के लोगों को मना कर रहे हैं कि यहाँ जाना मना है, स्पेशली गार्डन्स में। गार्डन यहाँ के बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, और होंगे भी। ये मेंटेन ही इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ अंदर जाने से, बाहर से देखने के लिए बस अलाउ है, और क्लीन भी इसी वजह से है। भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जब मैं आया था उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, अब भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और दूसरा रीज़न और ये भी है यहाँ का आज भीड़ बढ़ने का, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं और कालकाजी मंदिर, जो माता जी का जो मंदिर है, कालकाजी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है और वो जस्ट इस लोटस टेम्पल के सामने है। तो जो भी यहाँ पर कालकाजी मंदिर विज़िट करने आए हैं वो लोटस टेम्पल भी आ ही रहे हैं। तो एक ये रीज़न भी है कि समर सीज़न में इतनी भीड़ हो रही है, वो भी दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं इस समय, 12:30-1 बज रहा है और इस समय इतनी भीड़ है।
लोग आते ही जा रहे हैं, देखते जाइए आप। तो मैंने आपको जैसे बताया ही था कि आप जब यहाँ पर आएँ तो ये लोटस टेम्पल के साथ आप कालकाजी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल भी कवर कर सकते हैं। इस ब्लॉग में आपको मैं कालकाजी मंदिर या इस्कॉन टेम्पल तो खैर नहीं घुमाऊँगा, ये ब्लॉग डेडिकेटेड है सिर्फ लोटस टेम्पल के लिए, तो हम लोटस टेम्पल ही घूमेंगे। बट आप जब आएँ तो यहाँ पर आके आप कालकाजी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल भी कवर कर सकते हैं। लोटस टेम्पल में एंट्री बिल्कुल फ्री है, मैंने आपको बताया ही, किसी भी तरह की कोई एंट्री की फीस नहीं है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो लोटस टेम्पल में जाने के लिए है। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत लोग, हज़ारों लोग आते हैं डेली यहाँ पर, ऊपर से आज संडे भी है। ये लाइन देखिए कहाँ से, उधर से, उतना दूर से वो लाइन आ रही है। ये लोटस टेम्पल में ही जाने के लिए लाइन है सारी, ये देखिए दोस्तों। इसलिए मैंने कहा था अगर समर सीज़न में कभी आएँ तो दोपहर में ना आएँ, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, अर्ली मॉर्निंग आ जाएँ या फिर विंटर सीज़न में आएँ। और मैंने आपको बताया भी था, दूसरा रीज़न ये भी है कि नवरात्रे चल रही हैं, कालकाजी मंदिर बिल्कुल सामने ही है वहाँ पर, तो उसकी वजह से जो कालकाजी मंदिर आए हैं वो लोग लोटस टेम्पल भी विज़िट करने आते ही हैं। आज रश बहुत है और इसके सामने जो है ये वहाँ पीछे कहीं पार्किंग का एरिया है और ये कुछ खाने पीने के स्टॉल बने हुए हैं, छोटे छोटे जूस के या फिर कुछ छोटे मोटे खाने के स्नैक्स वगैरह। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, बाप रे, मैं जब सुबह आया था तो आई थिंक सो लाइन इतनी लंबी नहीं थी, लाइन बस यहीं तक, इतनी सी छोटी लाइन थी, बट अब जो लाइन है वो बढ़ के हो गई है इतनी लंबी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने आपको नहीं बताया, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो ओखला NSIC का मेट्रो स्टेशन है या फिर कालकाजी मंदिर का मेट्रो स्टेशन है, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। आज रश बहुत है, संडे का दिन है। आप लाइन देख रहे हैं, ये कालकाजी मंदिर में जाने के लिए एंट्री की लाइन है। जनरली कालकाजी मंदिर में जाने के लिए हमेशा भीड़ रहती है, बट आज संडे है और नवरात्रों का आज दूसरा दिन है, इस वजह से और भी ज़्यादा रश है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, अगर आप कालकाजी मंदिर आते हैं और नवरात्रों के टाइम पे स्पेशली आते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लेके आइए, क्योंकि एंट्री आपको ईजिली नहीं मिलने वाली है। ये बहुत लंबी लाइन है, अंदर तक गई, अंदर तक तो मैं आपको यहाँ से नहीं दिखा सकता, बट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश होगा अंदर। और यही रश जो है, इसमें से 80% लोग जो हैं वो लोटस टेम्पल घूमने जाते हैं, जो कि यहाँ से बिल्कुल सामने सीधे जाके है, 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही है, और वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। नवरात्रे हो और भंडारा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लाइन लगी है भंडारे के लिए, माता का भंडारा तो होता ही है अगर नवरात्रे होती है, और स्पेशली अगर कालकाजी मंदिर आप आते हैं तो इस टाइम पे आपको भंडारा तो जनरली देखने मिलेगा ही। चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अब मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, अगला लोकेशन पे कहाँ जाता हूँ वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगा। इस ब्लॉग में करते हैं अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।